नमस्ते विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कुछ और चर्चा करते हैं। आगे उस बिंदु को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कल हमने नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स थे उन आर्टिकल्स के बारे में चर्चा की थी। आर्टिकल 36 से शुरू किया हमने, आर्टिकल 51 तक हम पहुँचे थे। सारे आर्टिकल्स की हमने बात की। पहले हमने कुछ संविधान संशोधनों की बात की, कौन कौन से संविधान संशोधनों के माध्यम से नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए, और फिर बाद में हमने समस्त नीति निर्देशक तत्वों के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनकी सारी बात की थी। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें और समझते हैं कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार, इन दोनों के बीच के अंतर को तो हम समझ चुके हैं पहले। इन दोनों के बीच में टकराव की क्या स्थितियाँ हैं, इन दोनों के बीच में संघर्ष की क्या स्थितियाँ हैं, असल में इन दोनों के बीच में टकराव की वजह क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं, और फिर हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं, कौन कौन सी घटनाएं हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इनके बीच में टकराव हुआ। तो टकराव की वजह क्या है, अगर हम इस पर चर्चा करें सबसे पहले, तो आप यूँ समझिए कि मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन कराने की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट को है, कि मौलिक अधिकार का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसका मतलब चाहे कोई व्यक्ति है चाहे राज्य है, यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट वो मौलिक अधिकारों का संरक्षण करेगा। इसलिए वो ऐसा करने से राज्य को या किसी दूसरे व्यक्ति को रोकेगा। तो ये गारंटी सुप्रीम कोर्ट देता है, ये काम सुप्रीम कोर्ट का है। जबकि नीति निर्देशक तत्व में जो निर्देश दिए गए ये काम करने के लिए, ये निर्देश दिए गए राज्य को, और राज्य की इस दायरे में सरकार को एक कार्य सौंपे गए कि सरकार ऐसा करेगी, केंद्र सरकार या फिर संसद इसके दायरे में आ गई वो ऐसा करेगी, राज्य सरकार या विधानमंडल इसके दायरे में आ गया वो ऐसा करेगा। तो चूंकि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए उस दिशा में काम करने की जो मुख्य जिम्मेदारी है वो कार्यपालिका को और व्यवस्थापिका को विशेष तौर पर सौंपी गई, और वो इस दिशा में काम करते हैं, सरकार का यह प्रयास रहता है कि वो नीति निर्देशक तत्वों की दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, ज़्यादा ताकि उसके पास पावर ज़्यादा से ज़्यादा हो। जबकि न्यायपालिका है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है, और नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार इन दोनों के इस सुरक्षा के चक्कर में न्यायपालिका और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका आपस में एक दूसरे के सामने आ जाती हैं। क्योंकि सरकार चाहती है कि नीति निर्देशक तत्व ज़्यादा प्राथमिक हो, प्रभावी हो, और न्यायपालिका चाहती है कि मौलिक अधिकार ज़्यादा प्रभावी हो। तो इन दोनों के बीच में ये संघर्ष की स्थितियाँ ये थोड़ी सी पैदा हो जाती है। तो आप आज का जो टॉपिक डालें आप वो डालें मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संघर्ष, मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच संघर्ष, इनके बीच में संघर्ष की क्या स्थितियां हैं समझिए आप। असल में संघर्ष की स्थिति अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत जो होती है वो हम वहीं से शुरू कर लेते हैं बात को, कि असल में 1950-51 में मद्रास सरकार ने, जिसे आजकल हम तमिलनाडु राज्य कहते हैं, उस मद्रास राज्य में आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा भी शामिल था, तमिलनाडु वाला हिस्सा भी शामिल था, तो वो उस समय मद्रास प्रांत कहा जाता था उस प्रांत को। मद्रास सरकार ने आर्टिकल 46, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 46, हमने कल बात की थी, आर्टिकल 46 असल में कहता है कि राज्य है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में उनके विकास संबंधी, उनके उत्थान संबंधी, उनके हितों के संरक्षण संबंधी कार्य करेगा। यह आर्टिकल 46 कहता है। आर्टिकल 46 की अनुपालना में मद्रास सरकार ने क्या किया कि कुछ ऐसे प्रावधान किए कि जिसके माध्यम से अनुच्छेद 46 को लागू करते हुए, और कुछ ऐसे प्रावधान किए जिनके माध्यम से एससी और एसटी के बच्चों को
शिक्षा के क्षेत्र में मतलब स्कूलों में शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश संबंधी कुछ विशेष प्रावधान वो मद्रास सरकार ने किए। ये प्रावधान किए गए मद्रास सरकार के द्वारा। अब समझना आप मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच के टकराव को। यहां किसको लागू करने की दिशा में काम किया गया? आर्टिकल 46। और आर्टिकल 46 का मतलब नीति निर्देशक तत्व। और काम किया किसने? मद्रास सरकार ने। समझ रहे हैं आप? और क्या काम था? एससी और एसटी के बच्चों को स्कूलों में शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान, कि स्कूलों में उनके एडमिशन संबंधी प्रावधानों को थोड़ा सा और ज़्यादा प्रभावी बनाया जाए ताकि उनमें एजुकेशन को बढ़ाया जा सके। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 46 कहता है एससी और एसटी को शिक्षा संबंधी और आर्थिक क्षेत्र में, तो शिक्षा संबंधी क्षेत्र में था ना प्रावधान, ये मद्रास सरकार ने ऐसा किया, एक कानून बनाया। अब इसे ये जो कानून बनाया गया, इस ये जो प्रावधान किया गया, इसको कोर्ट में चुनौती दी गई, कोर्ट में लेके चले गए। तो एक केस आता है, वो आता है चंपकम दोराई राजनवाद, चंपकम दोराई के राजन केस 1951। और इसके विरुद्ध में ये कोर्ट में मामला आया। अच्छा, इस केस में कहा क्या गया? इस केस में मूल बात उठाई क्या गई, वो ये उठाई गई, आपको याद होगा आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29 याद होगा शायद आपको। और आर्टिकल 29 में दो क्लोज है, पहला और दूसरा। पहला क्लोज तो कहता है कि राज्य है वो अपने नागरिकों के सभी समूहों को, समस्त नागरिकों को, नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। 29(1) वो संरक्षण देता है भाषा लिपि और संस्कृति के संरक्षण का। आर्टिकल 29(2) जो इसका दूसरा क्लोज है वो आपको याद होगा। आर्टिकल 29(2) कहता है कि राज्य है वो शिक्षण संस्थाएं हैं, उन शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के मामले में, प्रवेश लेते समय, एडमिशन लेते समय, वो इस आधार पर किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं करेगा कि वो जो विद्यार्थी है, वो जो बच्चा है, वो किस धर्म का है, किस जाति का है, किस मूल वंश का है, या किस भाषा से रिलेटेड है, वो इस आधार पर वो किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं करेगा। इस आधार पर विभेद का निषेध कर दिया गया कि वो इस आधार पर विभेद नहीं करेगा। शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेते समय राज्य धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर विभेद नहीं करेगा, ऐसा नहीं किया जाएगा नागरिकों के साथ, ये 29(2) कहता है। तो धर्म के आधार पर, जाति, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं किया जाएगा भेदभाव। तो और यहाँ पे ये कानून बनाया गया जिसमें कहा गया कि एससी एसटी के बच्चों को स्कूलों में प्रवेश संबंधी विशेष प्रावधान ये किए जाते हैं। तो जाति आधारित भेदभाव हुआ, 29(2) का उल्लंघन हुआ। तो जब मद्रास सरकार ने अपनी तरफ से सफाई कोर्ट में ये दी कि देखिए हमने आर्टिकल 46 के अनुपालना में ऐसा किया है, संविधान में स्पष्ट रूप से ऐसा लिखा है, आर्टिकल 46 राज्य को ऐसा करने के लिए निर्देश देता है और हमने तो उन निर्देशों का पालन किया है। तो कोर्ट में दोराई राजनवाद जो केस था, इस केस में जो जिस पक्ष ने इसके विरोध में ये केस फाइल किया था, उन्होंने ये कहा कि देखिए आर्टिकल 29(2) को भी पढ़िए। ठीक है, आर्टिकल 46 वाली बात आपकी ठीक है, लेकिन आर्टिकल 29(2) को भी तो पढ़िए आप। और 29(2) कहता है कि शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के मामले में किसी धर्म, मूलवन, जाति, भाषा के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। और जब ऐसा कहा गया है तो आप ऐसा प्रावधान कर कैसे सकते हैं? तो यहाँ पे मद्रास सरकार ने अपना पक्ष रखा और कहा कि तो हम कि जब आर्टिकल 29(2) ये कह रहा है, आर्टिकल 46 ये कह रहा है, जब संविधान में ही दो बातों में विरोध है तो हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, हमने तो आर्टिकल 46 के अनुपालना में ऐसा किया है। तो कोर्ट ने फिर अपने फैसले में ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया और कहा
कि देखिए आर्टिकल 29 दो मूल अधिकार हैं, जो न्याय योग्य है, वाद योग्य है, जिनकी न्यायपालिका जिनका संरक्षण करेगी, बहुत महत्वपूर्ण है। और नीति निर्देशक तत्व तो वाद योग्य नहीं है, इनको कोर्ट में संरक्षण बाध्य नहीं किया जा सकता, वाद योग्य नहीं है, फोर्सेबल नहीं है। तो ये इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असल में मूल अधिकार है और नीति निर्देशक तत्व है, यदि इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई टकराव की स्थिति हो, यदि दो प्रावधान दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति हो, टकराव की स्थिति हो, तो मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाएंगे, ज़्यादा प्राथमिक माने जाएंगे। तो यहाँ पे मूल अधिकार को प्राथमिकता प्रदान की गई, इसका मतलब मद्रास सरकार ने जो एक कानून बनाया था, इस कानून को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और कहा कि ऐसा नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 29 दो के विरोध में है और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 13 दो कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि बनाएगा ही नहीं जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो, और ये राज्य द्वारा बनाई गई विधि आर्टिकल 29 दो का उल्लंघन है, तो ऐसा आप कर नहीं सकते। इस तरीके से इसको कर दिया गया निरस्त। आप समझ पा रहे होंगे ये बात, आगे और बढ़े आप। असल में इसके बाद में एक घटना और होती है, और चूंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने और इस तरीके से ये मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए इस कानून को निरस्त कर दिया, तो सरकार ने क्या किया, क्योंकि सरकार और न्यायपालिका के बीच तो फिर संघर्ष की स्थिति रहती है। असल में पहला संविधान संशोधन किया गया, और पहला संविधान संशोधन करके इस चंपकम दोरायराजनवाद के इस केस को निष्प्रभावी बनाने की कोशिश की गई। पहला संविधान संशोधन 1951, याद होगा आपको, नवीं अनुसूची जुड़ती है, आर्टिकल 31 के जुड़ता है और 31 खे जुड़ता है, ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया है, लेकिन इसके साथ में इसमें सबसे पहली बात तो एक आर्टिकल और जुड़ता है, और वो जुड़ता है अनुच्छेद 15 और 15 में चौथा क्लोज। आर्टिकल 15 में चौथा क्लोज जोड़ा गया और उसमें प्रावधान कर दिया गया कि राज्य एससी एसटी और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए वो विशेष उपाय विशेष प्रावधान कर सकता है। पहले संविधान संशोधन में ऐसा कर दिया गया कि वो एससी एसटी और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो एक तरीके से आर्टिकल 46 में जो ये कहा गया ना एससी एसटी के लिए ऐसा करेगा वो शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में, वो आर्टिकल 15(4) में मौलिक अधिकार के रूप में यहाँ स्थापित किया, क्योंकि इसमें चंपकम दोरायराजनवाद केस में कहा कि इस कानून को निरस्त क्यों किया, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों का 29(2) का उल्लंघन था। तो इस 29(2) को ही थोड़ा सा वैसे करने के लिए आर्टिकल 15(4) जोड़ दिया गया। अब ये दोनों ही बातें मूल अधिकार में शामिल हो गई, तो अब अगर कोई इस तरीके का कोई प्रावधान करेंगे तो ये इसका उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि वो आर्टिकल 15(4) के अनुपालना में माना जाएगा। तो आर्टिकल 15(4) चूंकि खुद मूल अधिकार है तो उसके अनुपालना में ऐसा किया जा सकता है। तो पहले संविधान संशोधन में ये आर्टिकल 15(4) चौथा क्लोज आर्टिकल 15 में जोड़ दिया, ये प्रावधान कर दिया। इसके अलावा इसी में अनुच्छेद 31 नवीं अनुसूची जोड़ी गई, आप जानते हैं 31 कह जोड़ा गया और 31 खे जोड़ा गया। 31 कह जोड़ के कह दिया कि सामाजिक न्याय और समाज सुधार की दिशा में और लोक कल्याण की दिशा में राज्य द्वारा यदि कोई कार्य किया जाएगा, कोई कानून बनाया जाता है, तो वो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकेगी। यदि वो आर्टिकल 14, 19 या 31 इन तीनों का भी उल्लंघन करता है तो भी न्यायिक समीक्षा उसकी नहीं की जाएगी, मतलब इन तीन आर्टिकल्स पे एक तरीके से प्राथमिकता दी गई। आर्टिकल 31 खे में क्या कह दिया गया कि नवीं अनुसूची में यदि कोई भी विषय शामिल है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की ही नहीं जा सकती। तो एक तरीके से इसमें पहले संविधान संशोधन के माध्यम से और 31 के और 31 खे के माध्यम से
मौलिक अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक तत्वों को थोड़ा प्रभावी बनाने की कोशिश की गई कि 31 के तहत तो 14, 19 और 31 पर प्रभावी बना दिया गया। सामाजिक न्याय और भूमि सुधार से संबंधित जो भी मामले होंगे, जो भी कानून होंगे, उनको लागू करने के लिए, और 31 के में नौवीं अनुसूची में शामिल विषयों को प्राथमिकता प्रदान की गई सभी प्रकार के मौलिक अधिकारों के ऊपर। तो ये एक तरीके से पहली कोशिश ये की गई कि नीति निर्देशक तत्वों को थोड़ा सा प्रभावी बनाया जाए। अब पहले संविधान संशोधन जब हो गया, इसको चुनौती दी गई और एक केस आया शंकरी प्रसादवाद। आपने ये कड़ी पहले भी पढ़ी है, लेकिन उससे थोड़ी सी अलग है। शंकरी प्रसादवाद 1951, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले संविधान संशोधन को मान्यता दी कि बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, आर्टिकल 31 के भी ठीक है, 31 के भी ठीक है, नवीन अनुसूची भी ठीक है, और आर्टिकल 15(4) भी ठीक है, एकदम ठीक है। पहले संविधान संशोधन को वैधता दे दी गई इस प्रकार से, और ये माना कि मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन भी किया जा सकता है। वो तो अगली पिछली कड़ी है, वो पिछली मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता में हमने उस बात को पढ़ लिया था। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो केस वही है लगभग, लेकिन उसका मैटर थोड़ा सा अलग है। चलिए, इसके बाद में केस आता है, वो आता है 1967 में एक केस आता है गोलकनाथवाद, गोलकनाथ केस। और इस गोलकनाथवाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, मूल अधिकार वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, नीति निर्देशक तत्व उतने महत्वपूर्ण नहीं है, और मौलिक अधिकार तो चूंकि बहुत ज्यादा पवित्र है, इसलिए उसमें ना तो संविधान संशोधन किया जा सकता है और ना ही नीति निर्देशक तत्वों की को लागू करने के लिए ऐसा कोई काम किया जा सकता है जिसमें मौलिक अधिकार वो गौण हो जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए नीति निर्देशक तत्व के ऊपर मूल अधिकार होंगे वो मूल अधिकार अधिक प्राथमिक होंगे। मूल अधिकार को अधिक प्राथमिक कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद में केस आता है, केस से पहले एक देखें, सरकार ने गोलकनाथ केस को निष्प्रभावी बनाने के लिए एक संविधान संशोधन किया, 25वां संविधान संशोधन, और 25वां संविधान संशोधन 1971, 24वां भी 1971 में, 25वां भी 1971 में, और 26वां भी 1971 में। 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या क्या ये प्रावधान कर दिया, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है 25वां संविधान संशोधन। इसके माध्यम से संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 31 ग और ख तो पहले संविधान संशोधन से जुड़े थे, 31 ग जोड़ा 25वें संविधान संशोधन में, और 31 ग में क्या प्रावधान कर दिया, इसमें ये लिख दिया गया कि राज्य द्वारा अनुच्छेद 39(b) और 39(c) इन दोनों की अनुपालना में राज्य द्वारा कोई भी कदम उठाया जाएगा, कोई भी विधि बनाई जाएगी, कोई भी काम किया जाएगा इन दोनों आर्टिकल्स के अनुपालना में, तो वो इस आधार पे वो कानून वो कार्य अवैध नहीं होगा, उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो आर्टिकल 14, 19 या 31 का उल्लंघन करता हो। इसका मतलब ये है कि इन दोनों आर्टिकल्स को ज़्यादा प्राथमिकता दे दी गई बजाय आर्टिकल 14, 19 और 31 के। तो ये मौलिक अधिकार हैं, ये नीति निर्देशक तत्व हैं, तो इन नीति निर्देशक तत्वों को ज़्यादा प्राथमिकता दे दी गई इनके ऊपर। समझ पा रहे हैं आप, इन दो को 39(b) में और सी में क्या है, याद रखना, कल मैंने बात की थी आपसे। आर्टिकल 39(b) कहता है समाज के सामूहिक भौतिक संसाधनों का सामूहिक हित में प्रयोग, सभी के हित में प्रयोग, और 39(c) कहता है कि धन के अहितकारी संकेंद्रण पर रोक, धन का ऐसा संकेंद्रण जो कि लोगों के लिए अहितकारी हो उस पर रोक लगाया जाएगा। तो 39(b) और सी के अनुपालना में राज्य ऐसा काम कर सकता है, ये 25वें संविधान संशोधन में कर दिया गया। अब 25वें संविधान संशोधन के बाद में इसको निष्प्रभावी बनाने के लिए केस आया, 25वें संविधान संशोधन में तो गोलकनाथ केस को निष्प्रभावी बना दिया गया, इस 25वें संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती दी गई, और एक केस आता है केशवानंद भारतीवाद।
केशवानंद भारतीवाद 1973, और इस केस में 25वें संविधान संशोधन को मान्यता दे दी गई कि 25वां संविधान संशोधन एकदम ठीक है। मतलब ये 39B और 39C ये दोनों प्रावधान आर्टिकल 14 1931 से प्रभावी होंगे, इनके ऊपर प्राथमिक होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के नीति निषेध तत्व तो प्रभावी नहीं होंगे, लेकिन ये दो नीति निषेध तत्व हैं ये इन तीनों मूल अधिकारों पर प्रभावी होंगे, ये स्वीकार कर लिया गया कोर्ट के द्वारा। अब देखें, जब ऐसा हो गया तो 1976 में एक कोशिश और की गई, सरकार ने एक कोशिश और की और 42वां संविधान संशोधन, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और 42वां संविधान संशोधन 1976 किया और अनुच्छेद 31 गय में संशोधन किया। 31 गय को जोड़ा तो गया था 25वें संविधान संशोधन में, और इसमें चेंज किया, इसमें संशोधन किया गया, इसकी भाषा में चेंज कर दिया। ये काम भी नीति इंदिरा गांधी के समय में ही किया गया 1971 में, 31 गय को जोड़ने वाला, ठीक है ना। जब इसको मान्यता दे दी कोर्ट ने तो अब इसमें चेंज करते हुए थोड़ा सा और ज़्यादा विस्तृत करने की कोशिश की गई। इसमें कहा गया था 31 गय में, यहाँ पे तो कहा गया था कि आर्टिकल 39B और सी के अनुपालना में राज्य द्वारा बनाई गई विधियाँ इस आधार पर अवैध नहीं होंगी कि वह अनुच्छेद 14 1931 का उल्लंघन करती है, और अनुच्छेद 31 गय में यहाँ पे संशोधन करते हुए प्रावधान कर दिया कि संविधान का भाग चार का मतलब पूरा को पूरा भाग चार, आर्टिकल 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व, भाग चार की अनुपालना में राज्य द्वारा बनाई गई विधियां इस आधार पर अवैध नहीं होंगी कि वह आर्टिकल 14 1931 का उल्लंघन करती हैं। इस आधार पे वो विधियां अवैध नहीं होंगी। इसका मतलब जहां 25वें संविधान संशोधन में केवल इन दो नीति निर्देशक तत्वों को, दो आर्टिकल्स को, दो उपबंधों को इनके ऊपर प्राथमिकता दी गई थी, अब पूरे के पूरे भाग चार को, सारे नीति निर्देशक तत्वों को इनके ऊपर प्राथमिकता प्रदान कर दी गई। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। ऐसा कर दिया गया। जब ऐसा कर दिया गया तो एक तरीके से ये सभी नीति निर्देशक तत्वों को जो प्राथमिकता प्रदान कर दी गई मूल अधिकारों के ऊपर, तो अब इसके बाद में एक केस आता है, और उस केस में, उस केस का नाम है मिनर्वा मिल्सवाद। मिनर्वा मिल्सवाद 1980। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने असल में ये कहा कि ये जो आर्टिकल 31 गय में संशोधन किया गया है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, इसको इस केस में क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया कि ये असल में ठीक नहीं है, पूरे के पूरे को नहीं, केवल इसमें जो संशोधन किया है ना, इसको निरस्त कर दिया। आपको याद होगा आर्टिकल 368(4) को और 368(5) को भी निरस्त किया था हमने, मूल अधिकारों के उस टॉपिक में हमने पढ़ा था। आर्टिकल 31 गय में जो प्रावधान किया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, इसको भी क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, और ये कह दिया गया कि ये प्रावधान लागू नहीं होंगे, बल्कि 25वें संविधान संशोधन द्वारा जो किया गया था 31 गय में, 39B और C वाला, ये मान्य होगा। जो केशवानंद भारतीवाद ने इसको मान्यता दी ना, उसको मिनर्वा मिल्स ने पुनर्स्थापित किया और कहा कि 39B और C वो 14/1931 पे प्राथमिक होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको निरस्त कर दिया गया, ये समझिए आप। और साथ ही मिनर्वा मिल्स केस में एक बात और महत्वपूर्ण रूप से कही गई और कहा कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों आपस में विरोधी नहीं है, इन दोनों के बीच में पूरक संबंध है, और ये जो इन दोनों के बीच के संबंध है वो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, और चूंकि वो मूल ढांचे का हिस्सा है इसलिए इन दोनों के बीच के संबंधों
में संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, ये भी मिनर्वा मिल्स केस में निर्णय दिया गया। तो आप मोटे मोटे तौर पर यह समझिए कि ये जो लंबा विवाद चला, वर्तमान समय की स्थिति देखें तो वर्तमान समय में आर्टिकल 39 और बी और सी, ये दोनों आर्टिकल 14 और 19 पर प्राथमिक है, क्योंकि 31 तो समाप्त हो ही चुका है 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार। 14 और 19 के अनुपालना में 39 बी और सी के अनुपालना में राज्य द्वारा बनाई गई विधियां इस आधार पर कोर्ट में उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन करती हैं। ठीक है, लिखिए आप, उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे समझेंगे। लिखिए, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संघर्ष। लिखे लिखे मूल अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। मूल अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। जबकि नीति निर्देशक तत्व, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं, राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं, अतः राज्य का मतलब कार्यपालिका लिखना साथ में, राज्य द्वारा मतलब कार्यपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं। लिखे अतः कार्यपालिका का यह प्रयास रहता है कि नीति निर्देशक तत्व अधिक प्रभावी हों, कि नीति निर्देशक तत्व अधिक प्रभावी हों, जबकि न्यायपालिका मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य करती है। न्यायपालिका मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य करती है, कार्य करती है। अतः मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच, अतः मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच कुछ बिंदुओं पर टकराव की दशा में, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच भी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच भी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, लिखें अगली पंक्ति में, ये क्या कड़ी है पूरी की पूरी, वो यहां से लिखते हैं हम। लिखें आप, लिखें मद्रास सरकार ने अनुच्छेद 46 के अनुपालना में अनुच्छेद 46 के अनुपालना में 1950-51 में एससी तथा एसटी वर्ग के बच्चों को शिक्षण संस्थाओं में
शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान किए लिखिए अगली पंक्ति में, चंपकम दोराई राजन वाद 1951, ये लिख लीजिए बिंदु के रूप में लिख लीजिए चंपकम दोराई, ताकि आपको केस याद रहना चाहिए। देखिए चंपकम दोराई राजनवाद 1951, वो ऊपर की लाइन इसलिए थी कि केस क्यों आया वो आपकी पृष्ठभूमि ध्यान में रहे। लेकिन चंपकम दोराई राजनवाद 1951 लिखे इसमें, इस केस में मद्रास सरकार द्वारा किए गए प्रावधान को चुनौती दी गई। उक्त प्रावधान को न्यायालय में चुनौती दी गई। लिखें न्यायालय ने मद्रास सरकार के उक्त प्रावधान को अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन मानते हुए निरस्त कर दिया तथा यह निर्णय दिया कि मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव की दशा में मूल अधिकार अधिक प्राथमिक होंगे तथा किसी नीति निर्देशक तत्व की अनुपालना में मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार अधिक प्राथमिक कर दिए गए, ठीक है, नहीं किया जा सकता। लिखें एक लाइन छोड़ के आगे, प्रथम संविधान संशोधन 1951 लिखें इसमें, लिखें इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़कर अनुसूचित एससी एसटी तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए
सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध करने का प्रावधान जोड़ दे शामिल कर दिया गया। विशेष उपबंध करने का प्रावधान शामिल कर दिया गया। विशेष उपबंध करने का प्रावधान शामिल कर दिया गया। शामिल कर दिया गया। फिर लिखें अगली पंक्ति में, इसी संविधान संशोधन द्वारा, इसी संविधान संशोधन द्वारा नवी अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 के और अनुच्छेद 31 ख जोड़कर, अनुच्छेद 31 के तथा अनुच्छेद 31 ख जोड़कर नीति निर्देशक तत्वों को अधिक प्रभावी बनाने, नीति निर्देशक तत्वों को अधिक प्रभावी बनाने तथा मूल अधिकारों को सीमित करने के प्रावधान किए गए, तथा मूल अधिकारों को सीमित करने के प्रावधान किए गए, मूल अधिकारों को सीमित करने के प्रावधान किए गए। फिर आगे लिखें शंकरी प्रसाद केस 1951, शंकरी प्रसादवाद 1951, शंकरी प्रसादवाद 1951 लिखें। इसमें इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथम संविधान संशोधन को वैधता प्रदान की, प्रथम संविधान संशोधन को वैधता प्रदान की। फिर अगली पंक्ति में लिखें गोलकनाथवाद 1967, गोलकनाथ केस 1967, लिखें। इसमें इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने, इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में, मूल अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण मानते हुए उन्हें असंशोधनीय घोषित किया कि मूल अधिकारों में संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। अधिक महत्वपूर्ण मानते हुए मूल उन्हें असंशोधनीय घोषित किया। फिर लिखे 25वां संविधान संशोधन 1971, 25वां संविधान संशोधन 1971 लिखे। इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 गै जोड़कर, अनुच्छेद 31 गै जोड़कर यह प्रावधान कर दिया गया कि अनुच्छेद 39B तथा अनुच्छेद 39C के अनुपालना में, अनुच्छेद 39B तथा अनुच्छेद 39C के अनुपालना में राज्य द्वारा किया गया कोई प्रावधान इस आधार पर अवैध नहीं होगा, इस आधार पर अवैध नहीं होगा कि वह अनुच्छेद 14 तथा 19 का उल्लंघन करता है। मैं 31 को नहीं लिखा रहा हूं यहां पे, क्योंकि वर्तमान में उसकी कोई मतलब नहीं है, कि वह अनुच्छेद 14 तथा 19 का उल्लंघन करता है, अनुच्छेद 14 तथा 19 का उल्लंघन करता है। लिखे आगे, अर्थात अगली पंक्ति में लिखे, अर्थात
अनुच्छेद 39B तथा 39C कोष्टक में लिख लें नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 39B तथा अनुच्छेद 39C कोष्टक में लिखें नीति निर्देशक तत्व को अनुच्छेद 14 तथा 19 कोष्टक में लिखें मूल अधिकार पर प्राथमिकता प्रदान कर दी गई। फिर लिखें केशवानंद भारती केस 1973 लिखें। इसमें इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पच्चीसवें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए 25वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 31 गय को वैधता प्रदान की। ये ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखें आप 42वां संविधान, एक पंक्ति छोड़ के लिखें 42वां संविधान संशोधन 1976 लिखें। इसमें इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 गय में संशोधन कर यह प्रावधान कर दिया गया कि भाग चार में दिए गए सभी नीति निर्देशक तत्वों की अनुपालना में राज्य द्वारा किए गए प्रावधान इस आधार पर अवैध नहीं होंगे कि वे अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करते हैं तो जहाँ इसमें तो 39 बी और सी को थी, इसमें सारे भाग चार को ही कर दिया, 14 तथा 19 का उल्लंघन करते हैं। लिखें अगली पंक्ति में अर्थात इस संशोधन द्वारा पूरे भाग चार को ही अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 19 पर प्राथमिकता प्रदान कर दी गई। फिर लिखे मिनर्वा मिल्स केस 1980 मिनर्वा मिल्स वाद 1980 लिखें। इसमें इस वाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए इस प्रावधान को असंवैधानिक ठहराते हुए निरस्त कर दिया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि 25वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए प्रावधान 25वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए प्रावधान वैध हैं। ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इसको निरस्त कर दिया, वैध हैं।
ठीक है, अर्थात अनुच्छेद 39 बी तथा 39 सी, अर्थात अनुच्छेद 39 बी तथा 39 सी ही अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 19 पर प्रभावी होंगे। अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 19 पर प्रभावी होंगे। लिखें अगली पंक्ति में, इस केस में ही मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच, मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच संबंधों को संविधान के मूल ढांचे का अंग स्वीकार किया गया, मूल ढांचे का अंग स्वीकार किया गया तथा यह स्पष्ट किया गया कि मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, तथा यह स्पष्ट किया गया कि मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है, मतलब विरोधी नहीं है, पूरक है, एक दूसरे के पूरक है, मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है। चलिए अब देखिए, एक छोटा सा बिंदु और बचा है कि नीति निर्देशक तत्वों का महत्व क्या है, उनकी उपयोगिता क्या है या उनकी प्रासंगिकता क्या है। देखिए, मूल अधिकारों के महत्व की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो यह कि मूल अधिकार असल में क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। तो इनका जो उद्देश्य है वो लोक कल्याण करना है, जनहित करना है, जनता का कल्याण करना है। तो जनहित करना चूंकि इनका कार्य है, तो एक ऐसे राज्य की स्थापना करने में सहयोग प्रदान करते हैं जहां पे लोगों की, जनता का, के हितों में अभिवृद्धि की जाती है, हितों को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये इस दिशा में एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण इनका एक उपयोगिता है, इनका महत्व है। दूसरा ये कि ये असल में किसी भी देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होना तो अलग अलग बात है, लेकिन किसी भी देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि वो उससे भी ज़्यादा महत्व इस बात का है कि उसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कैसे होती है। क्योंकि जैसे कि नेहरू ने कहा कि बिना सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना किया जाना कोई मायने नहीं रखता, उसका कोई महत्व नहीं होता। तो ये असल में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने में सहायक है। तो चूंकि ये सहायक है, ये तो एक तरीके से डेमोक्रेसी को एक ऊपर के लेवल तक लेके जाने वाले महत्वपूर्ण कारक है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। चलिए हम इसके बाद और आगे बढ़े, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि समाज का जो वंचित तबका है, वंचित वर्ग है, एक हाशिए पे पड़ा तबका है, उस तबके को ऊपर लाने की दिशा में, उस तबके के विकास की दिशा में नीति निर्देशक तत्व, वो उनके माध्यम से राज्य को निर्देश दिया गया है कि वो ऐसा करेगा। तो एक तरीके से एक समाजवादी राज्य की भी इसके अंतर्गत स्थापना हो जाती है, एक बहुत महत्वपूर्ण इसकी उपयोगिता ये भी है। इसके अलावा अगर हम और देखें तो देखें, अगर वर्तमान समय में अगर हम देखें तो भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है वो कहीं ना कहीं इन्हीं नीति निर्देशक तत्वों से प्रभावित है, ये इसकी प्रासंगिकता है। जैसे मान लीजिए कोई सी भी योजना ले लीजिए आप, चाहे छात्रवृत्ति योजना है वो नीति निर्देशक तत्वों से प्रभावित है, चाहे आप कोई सी भी से रिलेटेड आप देखेंगे कुछ भी, जैसे योजनाओं के बारे में हम कल्याणकारी योजनाएं देखें, जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, तो हमने एक बात की थी कि कुछ दिशाओं में लोक सहायता प्रदान करेगा, तो उसमें बुढ़ापा एक लोक बिंदु था। जैसे मान लीजिए पंचायती राज को स्थापित किया, तो आर्टिकल 40 में ऐसा प्रावधान किया गया नीति शर्तों को अनुपालन करने की दिशा में ही ये कार्य हुआ। जैसे मान लीजिए प्रसूति सहायता दी जाती है, तो आर्टिकल 42
प्रसूति सहायता की दिशा में राज्य को निर्देशित करता है। ये योजना सरकार ने बनाई। जैसे निःशुल्क चिकित्सा की बात करें तो ऐसे प्रावधान भी ऐसे किए गए, तो इनका ये महत्व है। ठीक है, तो आप इनके महत्व को इन तीन चार बिंदुओं में खासतौर से मोटे मोटे तौर पर समझ सकते हैं। तो लिखें आप नीति निर्देशक तत्वों का महत्व या उपयोगिता या प्रासंगिकता, लिखें लिखें। नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याण तथा जनहित लोक कल्याण तथा जनहित की अवधारणा से प्रभावित संकल्पना है, से प्रभावित संकल्पना है। लोक कल्याण तथा जनहित की से प्रभावित संकल्पना है, अर्थात ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। फिर दूसरा लिखें, नीति निर्देशक तत्व, अगली पंक्ति में लिखें दूसरा, नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की को स्थापित करने में सहायक हैं, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने में सहायक हैं, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के स्थापित करने में सहायक हैं, जो किसी देश के नागरिकों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो किसी देश के नागरिकों के विकास हेतु बहुत महत्वपूर्ण है, किसी देश के नागरिकों के विकास हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। फिर लिखें तीसरा, नीति निर्देशक तत्व समाज के वंचित तथा पिछड़े वर्गों, समाज के वंचित तथा पिछड़े वर्गों के विकास हेतु, वंचित तथा पिछड़े वर्गों के विकास हेतु राज्य को निर्देशित करते हैं, राज्य को निर्देशित करते हैं। निर्देशित करते हैं, ठीक है। फिर लिखें अगली पंक्ति में, लिखें लिखें राज्य द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की, राज्य द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं नीति निर्देशक तत्वों से ही प्रभावित हैं, नीति निर्देशक तत्वों से ही प्रभावित हैं। जिन योजनाओं के माध्यम से आम जनता अत्यधिक लाभान्वित हो रही है, अत्यधिक लाभान्वित हो रही है, अत्यधिक लाभान्वित हो रही है, ठीक है। ये इसके महत्व में हम कुछ लिख सकते हैं। एक बिंदु और बाई चांस आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गांधीवादी तत्व, नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवादी तत्व कौन कौन से हैं, गांधीवाद से प्रभावित नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं। तो गांधीवादी तत्वों में देखें, अगर हम मोटे मोटे तौर पर बात करें तो देखें अनुच्छेद 40 कहता है पंचायतों के गठन और उनके विकास की दिशा में कार्य। तो गांधी हमेशा राम राज्य की बात करते हैं, ग्रामीण स्वराज्य की बात करते हैं, ग्राम स्वराज्य की बात करते हैं कि ग्रामीण स्तर पे उनको स्वराज्य प्रदान किया जाएगा। राम राज्य में उनके जो एक कल्पना में था एक राम राज्य जिसकी उन्होंने एक तरीके से कल्पना की थी, तो आर्टिकल 40 में पंचायतों के गठन और उनके उन्नयन, ये जो आर्टिकल 40 का प्रावधान है वो गांधीवादी तत्व ही तो है।
फिर अगर हम आर्टिकल 40 के बाद और कुछ बात देखें तो देखें आर्टिकल 41 में काम पाने की जो बात की गई, काम प्राप्त करने की बात की गई, गांधी भी काम पाने की बात करते हैं। आर्टिकल 42 में खासतौर से, इसमें 43 में खासतौर से कुटीर उद्योग धंधों की जो विशेष तौर पर बात की गई, आर्टिकल 43 में कुटीर उद्योगों के विकास की जो बात की गई, कुटीर उद्योग धंधों की बात की गई, तो गांधी तो वैसे ही औद्योगिकरण के विरोधी थे, वो छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं उनके समर्थक थे। आर्टिकल 43 कुटीर उद्योगों की बात करता है, मजदूरों के लिए, कार्मिकों के लिए जीवन निर्वाह, मजदूरी और कुटीर उद्योगों का विकास। इसके अलावा आर्टिकल 43 ए की बात करें तो 43 ए भी उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी, वो भी गांधीवादी तत्व है। आर्टिकल 43 बी सहकारी समितियों की स्थापना, तो इन छोटे छोटे समितियों के माध्यम से ऐसा किया जाए, ये भी गांधीवादी तत्व हम इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और आगे बात करें तो देखें गांधीवादी तत्व में आप आर्टिकल 47 को विशेष तौर पर देख सकते हैं, जिसमें कहा गया कि मादक पदार्थ हैं उनका क्या किया जाएगा, उन मादक पदार्थों का एक तरीके से प्रतिषेध किया जाएगा, उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो मादक पदार्थों पर प्रतिबंध, वो आर्टिकल 47 का प्रावधान इन्हीं से प्रभावित है। आर्टिकल 48 में कहा गया गोवध निषेध, गाय और बछड़ों की नस्ल सुधार करने और उनका वध निषेध करने का राज्य प्रावधान करेगा। कृषि और पशुपालन के लिए कहा गया ना, कृषि और पशुपालन में वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीकों का उपयोग, आधुनिकीकरण का उपयोग किया जाएगा, और इसके अलावा गाय और बछड़ों तथा दुधारू और वाहक पशुओं की नस्ल सुधार और उनको वध निषेध करने के प्रावधान। तो एक तरीके से गाय की बात जो इसमें की गई, ये एक तरीके से क्या है, वो भी गांधीवाद से प्रभावित है, गांधीवादी तत्व है। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात जो की गई, वो उनके अहिंसा से प्रभावित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, वो उनके अहिंसा के विचार से प्रभावित है। तो आप गांधीवादी तत्व में ये आर्टिकल लिखे, जो आपको आर्टिकल्स लिखाए गए हैं वो आर्टिकल्स उनके सामने लिख लीजिएगा, ये गांधीवादी तत्व है, ये गांधीवाद से प्रभावित है। तो ये हमने आज नीति निर्देशक तत्व के इस टॉपिक को ठीक तरीके से समझने की कोशिश की है। अगले टॉपिक में हम अगली क्लास में अगला टॉपिक मौलिक कर्तव्य का टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।